हेलो एवरीवन, वेल टुडे वी आर गोइंग टू टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। तो बेसिक्स पे ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही एक दूसरे से रिलेटेड है, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को ही हम गॉसेस लॉ में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, लेकिन उसके पहले फ्लक्स का जो कंसेप्ट है आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दो तरह की, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और उसके बाद फिर गॉसेस लॉ के बेसिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे फ्लक्स आपका होता क्या है, तो फ्लक्स बेसिकली, अगर मैं फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स अगर मैं बोलूँ, तो अगर पर्टिकुलर एरिए को मैं, एरिए से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्वांटिटी अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ, तो वो क्वांटिटी ही आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। मतलब फ्लक्स की बात अगर हम करेंगे, तो बिना एरिए के तो मैं फ्लक्स की बात कर ही नहीं सकती, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। और अगर इस चीज़ को हम समझते हैं, मतलब फ्लक्स मतलब कहीं ना कहीं हम किसी एरिए से निकलने वाले फील्ड लाइंस की हम बात कर रहे हैं। ये ठीक वैसी है जैसे हम करंट और करंट डेंसिटी की बात करते हैं, है ना। करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, करंट डेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। दोनों ही क्वांटिटी ऑफ मतलब दोनों ही एक्चुअल में करंट की वैल्यू को ही कैलकुलेट करते हैं, बट पर्टिकुलर एरिए से जाने वाली आपकी करंट की वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करते हो, तो वो आपकी करंट डेंसिटी बन जाती है। ठीक वैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक्चुअल में फ्लक्स जो है वो फील्ड लाइन को ही कैलकुलेट करता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही होती है, बट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक विथ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स, है ना। सो अगर यहाँ दो फील्ड लाइंस अगर मैं लूँ, ये मेरी फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ किया है, रफली मैंने ड्रॉ किया है केवल समझने के लिए, और दूसरी फील्ड लाइन मेरी ये है। मैंने काफ़ी पास तो देख के ही समझ में आ रहा है कि और अगर दोनों में मैं एक सेम एरिया अगर मैं ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये एरिया ए है, दोनों का एरिया मेरा क्या है, सेम है। तो एक एरिए से आपकी केवल दो ही लाइन आपकी क्या हो रही है, दो ही फील्ड लाइंस हमारी उस एरिए के साथ हम उसमें लिंक करा रहे हैं, और दूसरे एरिए में लगभग 4 से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक हो रही है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों एरिए को अगर मैं कंपेयर करती हूँ, तो ए की जो ई की जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पर ई की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, और यहाँ पर ई की स्ट्रेंथ आपकी कम है, है ना। ये मतलब यहाँ पर अगर मैं इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ मतलब आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यानी अगर इसको E1 कंसीडर कर ले, अगर आप इसको E2 कंसीडर कर ले, तो E1 इज़ स्मॉलर देन E2, या E2 की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा है, ठीक है। कभी कभी एक थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन आता है कि अगर मैं रियल लाइफ से अगर मैं रिलेट करूं, तो इंटेंसिटी हम बोलेंगे किसको, ठीक है। उसके जस्ट पहले आप एक एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हैं फ्लक्स को समझने के लिए। तो फ्लक्स जो एक वर्ड है, जो एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है फ्लो होना, ठीक है। तो अगर पाइप पे से अगर आपका पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी का हर एक मॉलिक्यूल हैज़ अ सर्टेन डायरेक्शन, है ना। उसके हर मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो वो पाइप पे से जाने वाला जो पानी है, दैट यू कैन कंसीडर इट एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसकी जो स्पीड है, पानी की जो पर्टिकुलर स्पीड है, वो उसकी इंटेंसिटी को बताएगी, ठीक है। और दूसरा, अगर आपका किसी बकेट में पानी है, तो आप उसको फ्लक्स कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स के लिए डायरेक्शन आपका जो है वो ज़रूरत नहीं होता। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि फ्लक्स जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और दूसरा फ्लक्स एरिया के ऊपर डिपेंड करता है,
और अगर थर्ड टर्म में अगर मैं देखूँ कि फ्लक्स भाई किन कौन कौन सी चीज़ों की फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, तो फ्लक्स डिप इज प्रोपोर्शनल टू वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपका जो फील्ड जितना इंटेंस होगा, जितनी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उतने ही फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। सेकेंड थिंग इज दैट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। जो भी एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं फ्लक्स में इसमें, यानी जो भी एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं, जो भी सरफेस एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं, वो आपका जितना ज़्यादा होगा, एरिया की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, फ्लक्स की वैल्यू भी आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी। एक और टर्म है जो आपका फ्लक्स को इफेक्ट करता है, दैट इज़ द एंगल बिटवीन ई एंड ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया, रिलेटेड एरिया के बीच में जो एंगल बन रहा है, उसके ऊपर भी फ्लक्स आपका डिपेंड करता है, ये देखा गया है। अच्छा, जैसे एक चीज़ और इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी आप एरिया ले लीजिए, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी इज़ व्हाट? सो वेक्टर क्वांटिटी इज़ व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर मैं एरिया को वेक्टर बोल रही हूँ और एक पर्टिकुलर एरिया मैं लेती हूँ, तो इसकी डायरेक्शन मैं किस तरह बताऊँगी? ठीक है, तो वो डायरेक्शन का ये मतलब होता है। डायरेक्शन के लिए यू कैन कंसीडर लाइक, देखिए मैं आप लोग के लिए एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे आपके पास ये एरिया है, ये आपने एक सरफेस, एक छोटा सा मैंने बस आप लोग को समझाने के लिए ये चीज़ बनाई है। अगर ये एक सरफेस एरिया अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ, ये एरिया अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ, तो जो पेन है वो आपके एरिया के डायरेक्शन को शो करेगा। ये रूल है, कोई भी सरफेस आप कंसीडर करिए, उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी, मतलब लाइक अप जो पेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में उसकी नीब जा रही है, वो उसके डायरेक्शन को शो करेगी। ठीक है, तो आप चाहे जो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया, और डायरेक्शन आपकी जस्ट उसके परपेंडिकुलर, जैसे अगर मैं बुक ले रही हूँ तो बुक के परपेंडिकुलर हमारी जो लाइन है वो इस तरीके से जा रही है, ये है ना, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर मैं बुक के इस तरफ वाला सरफेस लेती हूँ, ये वाला पार्ट लेती हूँ, तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर। एनीथिंग यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड दैट यू हैव टू टेक द डायरेक्शन ऑफ एरिया is in the perpendicular direction of that surface। कोई भी surface आप लीजिए, उसके perpendicular direction में ही आपके surface की direction, मतलब area vector आपका consider करेंगे। तो flux जो है वो तीन term के ऊपर depend किया, एक intensity, दूसरा area, और third is our angle between A and E। ठीक है, सो ये देखा गया कि जैसे अगर ये electric field lines की direction अगर ये है, ठीक है, अगर एरिया को मैं पैरेलल रखती हूँ, है ना, पैरेलल रखना मतलब एंगल बिटवीन ई एंड ए इज, ये तो मेरी ए की डायरेक्शन हो गई, ये ए की डायरेक्शन हो गई, ये ई की डायरेक्शन होगी। द एंगल बिटवीन ई एंड ए इज हियर जीरो, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। सो इस केस पे मैक्सिमम फ्लक्स कंसीडर, मतलब यानी मैक्सिमम फ्लक्स आपने काउंट किया। ठीक है, इन द केस व्हेन वी कैप्ट द एरिया लाइक दिस, हाँ, यू जस्ट कैप्ट इट लाइक परपेंडिकुलर टू, है ना, तो इस केस में ये आया परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। ठीक है, ये दिस वन, सॉरी, ये आपका पैरेलल टू द सर्फेस है और ये परपेंडिकुलर टू द सर्फेस है। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री बनेगी, पैरेलल है मतलब यानी थीटा आपका जीरो डिग्री होगा। और इन द सेकेंड केस आपके एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत डायग्राम बना दिया था, परपेंडिकुलर टू द सर्फेस मतलब थीटा और ई के बीच का एंगल आपका कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर फ्लक्स हमेशा मिनिमम काउंट किया गया। ठीक है, तो एंगल को डिफाइन करने के लिए वी हैव अ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो वहाँ से ये बताया गया कि हमारे पास केवल एक ऐसा रेशियो है जो जीरो पे मैक्सिमम और 90 पे मिनिमम दे, तो वो केवल कॉस थीटा है। सो यहाँ पर से फाइनली जो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला निकला, दैट इज ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो इस तरीके से फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट की गई। ठीक है,
ठीक है, ये तो आप आपका जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म आप जो मतलब आप यहाँ पर तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यूनिफॉर्म कंसीडर किया है, आप नॉन यूनिफॉर्म सरफेसेस के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक सरफेस है ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मेरी इस तरीके से है, मतलब कहीं पर E1 है, कहीं पर E2 है, कहीं पर E3 है, नॉन यूनिफॉर्म की मीनिंग ही वही होती है ना। वो तो आप क्या अगर यूनिफॉर्म, हाँ तो उसको आप क्या करेंगे, हर पर्टिकुलर सरफेस के लिए आप E1.ds की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, है ना। E1.ds, E2.ds, E3.ds, है ना, हर सरफेस के लिए आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हर पॉइंट पे जहाँ पर E की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, और उस चेंजेस के हिसाब से फिर आप यानी उस चेंजेस के हिसाब से फिर आप सारे वैल्यू को ऐड करने पे टोटल फ्लक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। नाउ कम टू द गॉसेस लॉ। नाउ व्हाट इज गॉसेस लॉ? गॉसेस लॉ हमेशा, जैसे मैंने बोला कि फ्लक्स को आप बिना एरिए के कैलकुलेट नहीं कर सकते, वैसे ही गॉसेस लॉ भी हमारा जो एक जो गॉसेस लॉ है, बिना क्लोज सरफेस के हम गॉसेस लॉ की बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात होगी वो क्लोज सरफेस के साथ बात होगी, मतलब आपके पास एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस कैन बी क्यूब, क्यूबाइड, इट कैन बी स्फीयर और एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस से निकलने वाले चार्जेस, मतलब से निकलने वाली, इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ फ्लक्स देन इफ यू, हाँ तो यू हैव टू यू, मतलब ये आपका गॉसेस लॉ स्टार्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। चार्ज आपका क्या है, इनसाइड द क्लोज सरफेस है, और वहाँ से आप इस क्लोज सरफेस से निकलने वाले कितनी फ्लक्स, क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो ये, और दिस इज योर चार्ज, एंड नाउ यू हैव अ सिक्स सरफेसेस, है ना। तो अगर आप क्यूब में देखेंगे तो क्यूब में आपके 6 सरफेसेस होते हैं। यहाँ पर नथिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी, जो भी है वो तो हमारा बार बार चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर चेंज होने वाला जो टर्म है, जैसे आपके पास 6 सरफेसेस है, मतलब मुझे 6 बार इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को देख के आप, मतलब यानी जो आप स्मॉल एरिया आप ले रहे हैं, अगर स्मॉल एरिया से इस तरीके से अगर एक सरफेस में ऐड कर रही हूँ, और तो मतलब यानी ये आपका इंटीग्रेशन ही है, ठीक है। और ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन एक के लिए एक अलग सिंबल आप यूज़ करेंगे, सिंबॉलिकली ये टोटल सरफेस एरिया, है ना, मतलब जो ये आपका टोटल सरफेस E.ds की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, और जो कि 6 सरफेसेस में आपका डिवाइड हुआ है, E.ds1, है ना, प्लस आपका क्या हो जाएगा E. अभी तो मैं जस्ट आपको बेसिक बता रही हूँ, इस तरीके से ये 6 सर्फेसेस बनेंगे। तो यहाँ पर आपको ये सर्कल वाला डायग्राम केवल यहाँ पे शो करना है, क्योंकि वो आपके टोटल सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और जैसे ही आप उसको पार्ट पार्ट में ब्रेक करते हो, उस समय आप ये टोटल सर्फेस एरिया की वैल्यू को नहीं बताएंगे, ठीक है। अब जैसे स्फीयर है ना, स्फीयर आपका क्या करता है, उसका केवल एक ही जो होता है, एक ही कर्व सरफेस एरिया होता है, तो वहाँ पर आपका जो इंटीग्रेशन है वो केवल एक ही बार होगा, ठीक है। जैसे अगर आप कोन ले लेते हैं, कोन अगर आप ले रहे हैं, तो कोन में 2 सरफेस होंगे, एक कर्व सरफेस एरिया और एक आपका बॉटम वाला, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 बार होगा, क्योंकि आपके क्यूब में 6 फेसेस थे, 6 आपके 6 एरिया थे, तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन को 6 पार्ट में डिवाइड किया। और दूसरी एक चीज़ है कि ये सिंबल केवल आप एक बार यानी टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, फिर उस एरिया को हमने कितने पार्ट्स में ब्रेक किया उसके लिए ये सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। आई होप मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आपको, और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।